Hi everyone, welcome to Rest2IT. So my dear friends, today I am here to discuss about the basic shortcut of circles for your forthcoming GE main, BITSAT, STAT, GE, NDA, CAM, SATs, all GE exams in India. So my dear friends, aaj ka jo shortcut hai, so that is number of tangents between two circles. Clear? So this is GE Super Trig, so that is its 9 hai. So my dear friends, number of कॉमन टेंजेंट्स का मतलब है, मैंने क्लियर चार केसेस अराइज लिखा है, ये चार केसेस के लिए आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कब होगा. क्लियर? जब ऐसा होगा व्हेन टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, ऐसा होगा. क्लियर? कैसे पता चलेगा? नेदर टू सर्कल्स जब ऐसा होगा, ये कंडीशंस जब होगा, ये कंडीशंस को आपको रखना है. C1 क्या है? क्लियर? C1 C2 आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, R1 R2 रेडियस है. क्लियर? सो जब एक कंडीशन होगा, C1 C2 इज मोर देन R1 प्लस R2, सो दैट मीन्स टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट. क्लियर? अभी क्या देखो, व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट, जब टू सर्कल इंटरसेक्ट होगा, ये कंडीशन को आपको याद रखना है. क्लियर? सो दिस इज R2 माइनस R1 का मॉडुलस इज लेस देन C1 C2 एंड इज लेस देन R1 प्लस R2 है. व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, जब एक्सटर्नली होगा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है, एंड जब इंटरनली होगा C1 C2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 R2 माइनस R1 व्हाटएवर इज देयर, इसीलिए मॉडुलस लिखा है. अभी जब ऐसा होगा, सो दैट मींस देयर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 4 है, ठीक है. क्लियर? देखो यहीं पे कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट, ठीक है. एंड इधर से भी देखो, यू कैन ड्रॉ वन टेंजेंट एंड यू कैन ड्रॉ नंबर ऑफ टेंजेंट, सेम वे 4 है. और इधर क्या है देखो, कितना टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो, ओनली 2 टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, ठीक है. और इधर कितना है देखो, यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, सो लाइक दिस, इधर यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट, सो लाइक दिस ए है, ठीक है. नंबर ऑफ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट इज 3 है. और यहीं पे तो एक ही टेंजेंट तुम ड्रॉ कर सकते हो, सो दैट इज इट 1 है. ए आपको Now we'll discuss these two questions related to number of common tangents between two circles. So my dear friends, अब क्या करोगे? पहले यहीं पे जैसा first circle है, इसका center का coordinate क्या है? So this is 2, 3. ऐसा S2 इसका center का coordinate क्या है? -3, -9. इसका आधा कर लिया. एंड इसका R1 क्या है? इसका R1, सो इसका स्क्वायर करो. इसका स्क्वायर कितना है? 4 + 9 = 13. 13 से 12 को घटा दो, सो दैट इज इज 1 है, ठीक है. सो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. सो दिस इज 4 + 9 - 12, सो दैट इज 1 है. R2 भी ऐसा क्या है देखो, सो दिस इज 9 + 81, ठीक है. 9 + 81 - 26, सो दैट इज 64, सो दैट इज 8. अभी ये दोनों का बीच में डिस्टेंस फाइंड करो. सो ये दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है? सो दिस इज -3 - 2 = 25, -9 - 3 + 1, ठीक है, 44, सो दैट इज 169, सो दैट इज व्हाट, दैट इज 13. और ये दोनों का बीच में R1 प्लस R2 क्या है? 9 है. तो ये बड़ा है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है. सो दिस इज C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 है. सो इन दिस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सो दैट इज 4 है. सेम वे देखो, यहीं पे S1 क्या है? सो दैट इज C1 - 2 - 3. एंड S2 क्या है? सो दैट इज C2, सो दैट इज 3 and 2 है, ठीक है. एंड इस पे R1 क्या है? R1 तो अभी पता चल गया, सो दिस इज R1, सो दैट इज 1 है. एंड R2 क्या है? R2 भी पे है, R2 भी 1 है. सो दिस इज R1 प्लस R2, सो दैट इज 2 है. एंड C1 C2 क्या है? सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज 25 + 25, सो दैट इज √50. √50 मीन्स क्या? 5√2 है. सो इन दिस केस ऑल्सो देखो, C1 C2 इज मोर देन R1 + R2 है. सो माई डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ, ये ऐसा करके चेक करोगे, ठीक है. पहले तो कंडीशन सारे आपको याद रखना है, और ऐसा करके चेक करोगे, जब ऐसा होगा, सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सो दैट इज इक्वल टू 4 है.
सो माई डियर फ्रेंड्स, नंबर ए आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट, तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इफ यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स प्रॉपरली देन यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। कहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना था, गवर्नमेंट NIT में पहुँच गया। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्रॉपरली, यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट्स, योर कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड, योर स्टैंडर्ड, योर क्वालिटी विल इम्प्रूव, एज वेल एज स्पीड इन मैथमेटिक्स विल बी इम्प्रूव। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स, एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गेस्ट टू IIT। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो।